तो आज हम लोग बताएंगे टॉप 5 न्यूली लॉन्च बाइक इन इंडिया। तो आज हम लोग बताएंगे इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर टॉप 5 यहाँ पे बाइक न्यू यहाँ पे लॉन्च किया, तो कौन कौन सा बाइक यहाँ पे लॉन्च किया और इसके अंदर आपके लिए कौन सा बाइक बेटर होगा वो भी हम लोग बताएंगे आज के वीडियो के अंदर। सो गाइस, अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे बजाज पल्सर NS 400। तो ये जो NS 400 के अंदर कितना पावरफुल इंजन देख सकते हो वो तो सारे लोग को पता चल गया, सीधा यहाँ पे उठा के लेके आ चुका है बजाज पल्सर NS 400। और NS 400 के अंदर क्या कुछ फीचर देख सकते हो, जैसे TCS, सबसे पहले TCS गाइस क्या जरूरत पड़ता है, ट्रैक्शन कंट्रोल। जब कॉर्नरिंग करोगे तब आपका TCS बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बाइक के लिए। उसका नंबर 2 या 320mm का डिस्क साइज एंड रियर पे 230mm का डिस्क साइज, डुअल चैनल ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और सामने का सस्पेंशन मतलब फ्रंट पे यूडी सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो और रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा। ओवरऑल जो बाइक का लुकिंग है ना बहुत बढ़िया है। बाइक का प्राइस है ना 1.85 लाख एक्शन प्राइस है, अंडर 2 लाख के अंदर तो देखने को नहीं मिलेगा, 2,20,000 के अंदर आ सकता है ऑन रोड प्राइस। तो आप सारे लोग यार कमेंट करके बता देना 2.20 लाख के अंदर गाइस यहाँ पे वो भी एक 400cc का बाइक है, कितना पावरफुल बाइक है वो तो सारे लोग समझ ही गया, कम से कम 170 से 180 तक भी जा सकता है ये बाइक। नंबर 2 को लेके बताएंगे तो नहीं, एक और एक न्यू बाइक लॉन्च किया, उसका नाम है TVS Apache ITR 310। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बाइक है। ये बाइक का एक्शन प्राइस को लेके बताएंगे तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने एक्शन प्राइस भी बता दिया। एंड साथ में ओवरऑल जो बाइक का लुकिंग है ना बहुत बढ़िया है, लिक्विड कूल का इंजन, 310cc का इंजन एंड साथ में यूडी सस्पेंशन, DRF मोनोशॉक और ये बाइक के अंदर देख सकते हो क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड सारे कुछ फीचर्स अवेलेबल देख सकते हो। LED हेडलाइट, प्रोजेक्टर लैंप, साइड इंडिकेटर भी LED और पीछे का टेल लाइट भी LED। और यहाँ पे कंपनी यूज किया डिजिटल LCD कलरफुल TFT मीटर, मतलब मीटर का जो लुकिंग है ना बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का टायर चॉइस को लेके, सामने का टायर मतलब फ्रंट पे 1/0/70/70 मिलेगा और रियर टायर 150/60/70 मिलेगा, मतलब बाइक का जो टायर चॉइस है ना बहुत बढ़िया ही बोल सकते हो। तो सारे लोग यार कमेंट करके बता देना TVS Apache ITR 310 का लुकिंग एंड फीचर्स कैसे लगा वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। तो अभी स्पीड को लेके बताएंगे तो 160 तो भाई आराम से जाएगा, 170 भी जा सकता है। नंबर 3 को लेके बताएंगे जिसको जिसको छोटा बाइक पसंद है उसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 125R। तो ये जो बाइक है ना इसके अंदर सिंगल चैनल ABS के साथ कंपनी लॉन्च किया एंड बाइक का जो लुकिंग है ना एकदम पूरा डुकाटी के कॉपी बोल सकते हो, हीरो एक्सट्रीम 125R। तो बाइक का जो प्राइस है ना बहुत ज्यादा कम प्राइस के अंदर कंपनी लॉन्च कर दिया। ये बाइक का जो ड्रम ब्रेक का जो प्राइस है ना 1,12,000 ड्रम ब्रेक का प्राइस है और 1,22,000 ABS मॉडल का प्राइस है। बट मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग यार ABS वाला मॉडल लो, क्योंकि आजकल ABS कितना ज्यादा जरूरी होता है वो तो सारे लोगों को पता ही चल गया। एंड ओवरऑल जो बाइक का लुकिंग है ना थोड़ा बहुत फीचर्स को लेके बताएंगे तो सामने पे सस्पेंशन को लेके बताएंगे तो सामने मतलब फ्रंट पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख सकते हो और रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा और बाइक का जो सस्पेंशन एंड क्वालिटी बहुत बढ़िया A1 क्वालिटी के साथ देख सकते हो। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक का मीटर कैपेसिटी एंड LED हेडलाइट, प्रोजेक्टर लैंप, सारे कुछ बहुत बढ़िया एंड इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी बोल सकते हो अब सारे लोग। तो सारे लोग यार कमेंट करके बताना हीरो एक्सट्रीम 125R आपके लिए कैसा है। नंबर 4 को लेके बताएंगे तो 2024 Gen 3 KTM Duke 390। तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बढ़िया बाइक है क्योंकि मेरा ड्रीम बाइक है और फाइनली KTM Duke 390 का जो कितना था पिकअप है, इनिशियल पिकअप, टॉप स्पीड वो तो सारे लोग जानते ही है। ओवरऑल जो बाइक का लुकिंग है ना बहुत बढ़िया है, ये भी न्यू गाइस लॉन्च कर दिया 2024 के अंदर भी। तो आप सारे लोग यार ये बाइक के अंदर भी जा सकते हो, थोड़ा बहुत बाइक का फीचर्स को लेके बताएंगे तो सामने का सस्पेंशन मतलब फ्रंट पे WP Apex UD सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो और रियर पे डुकाटी स्टाइल का मोनोशॉक भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो बाइक का लुकिंग है ना बहुत बढ़िया है और बाइक का मीटर कैपेसिटी को लेके बताएंगे तो यहाँ पे कंपनी यूज किया डिजिटल LCD TFT कलरफुल मीटर। थोड़ा बहुत फीचर्स को लेके बताएंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब TCS देख सकते हो, क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल देख सकते हो 2024 Gen 3 KTM Duke 390। नंबर 5 को लेके बताएंगे तो न्यूली और एक न्यू बाइक लॉन्च किया बजाज ने, जो बाइक का नाम है बजाज पल्सर N250। तो ऑब्वियसली N250 के अंदर आप लोग जा सकते हो क्योंकि इस बार N250 के अंदर कंपनी दे दिया TCS मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल एंड साथ में सस्पेंशन भी कंपनी यहाँ पे चेंज कर दिया, जैसे यूडी सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन के अंदर भी दे दिया एंड साथ में ओवरऑल लुकिंग और साथ में यहाँ पे डिजिटल LCD TFT कलरफुल मीटर भी दे दिया। ओवरऑल जो बाइक का प्राइस है ना अंडर 2 लाख के अंदर सबसे तो बेस्ट अगर बाइक बोल सकते हो N250, क्योंकि MT15 को किल करने के लिए N250 काफी है क्योंकि बाइक का प्राइस भी बहुत कम है, फीचर्स भी बहुत ज्यादा है MT से भी ज्यादा। बट फीचर्स के अंदर भाई अगर तुम जाओगे तो MT15 के अंदर ज्यादा फीचर्स देख सकते हो, बट फिर भी यार अंडर 2 लाख के अंदर बेस्ट बाइक हो रहा है 250cc के अंदर। तो सारे लोग यार कमेंट करके बता देना ये जो मैंने 5-5 बाइक का नाम बताया इसके अंदर आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट है और आपका कौन सा बाइक सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी एक बार कमेंट करके बता देना। आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।